Student, welcome to my channel Biology Booster, and our today's topic is about polar body and its different types of functions. So let's get started. So what is polar body and when it was discovered? So polar body was first recognized by Caris in 1824 in gastropods, and polar body was discovered by and its functions were identified by Hartwig in 1877. So what is polar body? During the time of oogenesis process, polar body is formed at two places. One, during the division in primary oocyte to convert it into secondary oocyte, and the other when sperm fertilize the ovum, secondary oocyte. So polar body, what is polar body? It is small sized with haploid set of chromosome, which generally remain vital for about 18 to 24 hours. Small sized cell. It is produced during oogenesis के दौरान यह बनता है। तो अब इसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है। अमूमन इन केस ऑफ ह्यूमन और अदर मैमल्स, ये जो पोलर बॉडी है, ये पोलर बॉडी जो है वो ज्यादा समय तक वायबल होता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स में और कुछ कुछ प्लांट्स में इसका बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन देखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका देखा गया है, जो कि हम लोग अब देखेंगे। ओजेनेसिस के टाइम पे जब ओगोनियम डिफरेंशिएट होता है प्राइमरी ओसाइट में, उस दौरान जब मियोसिस फर्स्ट होता है, तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान प्राइमरी ओसाइट से दो तरह के सेल्स बनते हैं। एक सेल होता है बड़ा, और दूसरा जो सेल है वो रिलेटिवली काफी स्मॉल होता है। दिस सेल इज सेकेंडरी ओसाइट and this is first polar body. तो ये first polar body है, first polar body. अब जब इस secondary oocyte का fertilization होता है, तो fertilization के just बाद एक और polar body का formation होता है,
आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक बनता है ओवम और दूसरा है सेकेंड पोलर बॉडी। अब ये जो सेकेंड पोलर बॉडी है ये ओवम के जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, ये इस सेल से अलग नहीं होता। सो दिस इज जेडपी जोना पेलुसिडा। अब ये नीट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजिनेसिस के दौरान ह्यूमन फीमेल में कुल मिलाकर के कितने पोलर बॉडीज बनते हैं। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, होता क्या है कि ये तो सेकेंडरी ओसाइट है, ये तो मियोसिस टू करके दो सेल्स बना चुका है, मियोसिस टू करके दो सेल्स बनाए, एक है ओवम दूसरा है सेकेंड पोलर बॉडी। एट द सेम टाइम द फर्स्ट पोलर बॉडी is also going to divide to form two polar bodies. These are daughter polar bodies. तो आप लोगों को याद रखना है स्टूडेंट्स की कुल मिलाकर के यहां पे ओजेनेसिस के दौरान तीन पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, पहला दूसरा और तीसरा। तो ये कुल मिलाकर के तीन पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है ओजेनेसिस के दौरान। अब हम लोग जब बुक्स पढ़ते हैं तो जनरली बुक्स में पोलर बॉडीज का फंक्शन दिया हुआ नहीं रहता है, मान लिया जाता है कि ये जो है रिग्रेस हो जाता है धीरे धीरे एज द टाइम पासेस, एज द सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म्स द ओवम एंड देन इट इज फर्टिलाइज, तो ये जो पोलर बॉडीज है इसका फंक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पोलर बॉडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ एनिमल्स के केस में, तो उनके बारी बारी से हम लोग फंक्शंस देखेंगे। इससे पहले स्टारफिश में, स्टारफिश जो है इसमें पोलर बॉडी के फंक्शन को जानने के लिए कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म किया गया था। हुआ ये कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, इस फर्स्ट पोलर बॉडी के पास, इस फर्स्ट पोलर बॉडी का जो साइज है सेकेंड पोलर बॉडी से रिलेटिवली बड़ा होता है। अब ये बना है कैसे, ड्यू टू द अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल मियोटिक डिवीजन के थ्रू बना है, जिससे एक बड़ा ओसाइट बन गया सेकेंडरी ओसाइट और एक छोटा सा पोलर बॉडी बन गया। अब बात आती है कि जो पोलर बॉडी है बना ही क्यों, आखिर दोनों सेल्स इक्वल क्यों नहीं हुए। तो उसका कारण यह है कि जब भी ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो इस ओजेनेसिस के प्रोसेस में एक सेल के अंदर उतने अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑर्गेनेल्स होने चाहिए जो आगे चल करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो पाए। तो ऐसा करने के लिए यहां पे अनइक्वल डिवीजन हुआ, जिससे कि क्रोमोसोम तो सेम है बट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स, इन सारे का कंटेंट यहां पे ज्यादा है इन द सेकेंडरी ओसाइट इन कंपैरिजन विद द फर्स्ट पोलर बॉडी। तो इसका कारण यही है, इसका वजह यही है कि सेकेंडरी ओसाइट का साइज बड़ा होता है और पोलर बॉडी का साइज छोटा होता है, ताकि एम्ब्रियो की ग्रोथ में उसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिल सके, ऑर्गेनेल्स ज्यादा होंगे तो उनका प्रॉपर ग्रोथ जो है वो परफॉर्म होगा। स्टारफिश में क्या किया गया कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, इस फर्स्ट पोलर बॉडी को हेक्साइलीन ग्लाइकॉल के साथ ट्रीट किया गया, और जैसे ही हेक्साइलीन ग्लाइकॉल के साथ इसको ट्रीट किया गया तो हेक्साइलीन ग्लाइकॉल जो है ये एक तरीके का थीनर है। ये करता क्या है, ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है इसके अंदर का जो कंडेंस्ड साइटोप्लाज्म है इसको ये थीन कर देगा, जिसके कारण इसका जो साइज है, साइज ऑफ द पोलर बॉडी इंक्रीज्ड, इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो गया। और जैसे ही इंक्रीज हुआ उसके बाद आफ्टर प्रोवाइडिंग ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर जैसे ही दिया गया तो ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये इन जनरल जो दो पोलर बॉडीज में बढ़ता था, डिवाइड होता था,
अब जैसे ही इसका साइज ग्रो किया, तो ग्रो करने के बाद ये एग का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लोइड एग। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो पोलर बॉडी जो है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो आर्ट में भी है। आर्ट एक प्रोसेस है, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके ये जो पोलर बॉडीज है, इनसे फर्दर नए ओवम का, नए सेकेंडरी ओसाइट्स का, एग का प्रोडक्शन कराया जाता है। तो ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रोल है जिसे अब हम लोग देखेंगे।